हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जूलॉजी में स्पेसिमेन दिखा रही हूँ। ये है क्रैब, ठीक है, इसे केकड़ा कहते हैं। ये क्रैब है, ये फाइलम जो संघ है ऑर्थोपोडा में रखा गया है इसे। इसका वर्ग जो है क्लास क्रस्टेशिया, और जो गण है ऑर्डर डेकापोडा, ठीक है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में पाया जाता है और भारत में भी पाया जाता है। ये इसे रॉक क्रैब या सच्चा केकड़ा कहते हैं। यह चपटा, ठीक है, विशाल सिफेलोथोरिक्स युक्त स्टम्पी एब्डोमेन युक्त होता है। इसमें एंटीन्यूलस और एंटीनी छोटे होते हैं। आई जो स्टॉक है, आई स्टॉक और एंटीन्यूलस गड्ढों में स्थित होता है। थर्ड मैक्सली पीड्स चौड़े चपटे वॉल्व जैसे होते हैं और वे मुखांग द्वारा ढके रहते हैं। पांच जोड़े थोरेसिक उपांग विकसित होते हैं, ठीक है। फाइव पेयर्स में थोरेसिक अपेंडेजेस डेवलप्ड होते हैं। उदर अत्यधिक छोटा और वह जो थोरिक्स के स्टर्नम के गड्ढे में सिफेलोथोरिक्स के नीचे होता है। मेल का जो नर का है उदर मादा के उदर से अधिक सकरा होता है, ठीक है। मेल का जो एब्डोमेन है फीमेल के एब्डोमेन से अधिक नैरो होता है। टेल्सन और यूरोपोड एब्सेंट है। इसके जो उदरीय उपांग हैं एब्डोमिनल जो अपेंडेजेस हैं वो छोटे होते हैं। मेल में नर में केवल टू पेयर्स प्लियोपोड पाया जाता है जो कि मैथुन अंग की कॉपुलेटरी ऑर्गन्स के जैसा फंक्शन करता है। फीमेल में अंडों को चिपकाने के लिए फोर पेयर्स प्लियोपोड पाया जाता है। एग से अंडों से फटकर जोइया लार्वा निकलता है जो एडल्ट बनने के पूर्व मेगालोपा अवस्था से गुजरता है। इसके आइडेंटिफिकेशन पहचान में हम देखते हैं चपटा शरीर, विशाल सिफेलोथोरिक्स, यह इसके आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर हैं। इस प्रकार क्रैब दिखाई देता है। थैंक यू।